मेरी माटी मेरा देश अभियान को सार्थक बनाया सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के आशियाना स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में मेरी माटी मेरा देश अभियान को सार्थक करने का प्रयास किया गया। स्कूल द्वारा छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं ने मिलजुल कर मेरी माटी मेरे देश अभियान को सार्थक करने के लिए देश की वीर वीरांगना और सपूतों को याद किया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य दिव्या पांडे ने बताया कि स्कूल मेरी माटी मेरा देश केंद्र सरकार के अभियान को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाए गए इस अभियान को हम सभी मिलकर सार्थक कर रहे हैं। आज स्कूल द्वारा छात्रों ने वीरांगनाओं और देश के वीर सपूतों जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है उन पर निबंध लिखा है। लड़कियों ने देशभक्ति रंगोली बनाई है और सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना को हम अपने स्कूल प्रशासन के माध्यम से उनके अभिभावकों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस अवसर पर स्कूल के संस्थापक जे एन पांडे ने बताया कि स्कूल लगातार हर प्रकार की एक्टिविटी करता है और आज भी स्कूल में छात्र छात्राओं ने मेरी माटी मेरा देश अभियान को सार्थक करते हुए बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाल कर वीर शहीदों को याद और नमन किया गया। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज़। मेरी माटी मेरा देश यह अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चलाया गया है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर हमने देखा कि लगातार घर घर और हर घर तिरंगा अभियान चला और तमाम वो अभियान चले जिसमें हर दिन आज़ादी का जश्न मनाया गया। और आज भी जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सरकार की ओर से मेरी माटी मेरा देश, वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में और पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। आज लखनऊ के सेंट्रल पब्लिक स्कूल में भी इस अभियान को सार्थक रूप से मनाया गया। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि मेरी माटी मेरा देश का जो रंगोली है वो इन बच्चों ने बनाई है। हमारे साथ ये बच्चे मौजूद हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर प्रभात फेरी कराई गई है, स्पीच कराई गई है, निबंध लिखाए गए हैं, उसके साथ साथ देश के लिए जो वीर शहीद सपूत ने बलिदान दिया है उनको याद किया गया। हमारे साथ बच्चे हैं जिनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहना चाहोगे आज के बारे में? मेरा नाम जतिन कुमार है। मेरे को ये अच्छा लग रहा है टू ट्रिब्यूट आर फ्रीडम फाइटर्स, वी प्लेस टू कंट्रीब्यूट आर हेरिटेज। जतिन, क्या किया आज आप लोगों ने, आपने क्या किया खासकर? हम लोग ने वो रैली निकाली है अपनी और स्पीच बोलनी थी मेरे को। क्या स्पीच, किस विषय पे स्पीच करने जा रहे थे, टॉपिक क्या था? मेरी माटी मेरा देश। थोड़ा सा बताएंगे स्पीच के बारे में, थोड़ा सा बताएंगे क्या स्पीच तैयार की है बोलने के लिए? लिखा है। देखिए, हमारे साथ और बच्चे हैं। बेटा, क्या किया आज आप लोगों ने? हमने आज रंगोली बनाई है वो मेरी माटी मेरा देश पे, जिस पे हम शहीदों को याद करने, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अच्छा, स्कूल ने आप लोगों को क्या बताया कि मेरी माटी मेरा देश क्या है, स्कूल में से क्यों मनाया जा रहा है? मेरी माटी मेरा देश एक अभियान है जो अमृत आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया गया है और ये नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू करा गया है और इसमें शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जा रहा है और मतलब हर दिन को एक पर्व की तरह मनाया जाए, इसलिए मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का यह जो अभियान है अच्छा लगा आप लोगों को? हाँ, अच्छा लगा, हर दिन एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। ठीक है बेटा, क्या कुछ किया आज आप लोगों ने इस जो अभियान है, जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है स्कूल में आज मनाया जा रहा है, तो इसमें क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? क्या नाम है जी? मेरा नाम खुशी राय है और ये हम लोग एक तरह से हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए कर रहे हैं कि जिससे जो हमारे शहीद लोग हैं उनको आज़ाद सुकून मिल सके। क्या किया आज आपने स्कूल में? हम लोग ने रंगोली बनाई, निबंध लिखा, क्या किया? रंगोली बनाई हम लोग ने। जो कौन सी, यही रंगोली आप लोगों ने? हाँ, क्या कुछ कहना चाहोगी आज जो अभियान स्कूल में चलाया जा रहा है स्कूल के लिए और उसके साथ साथ इस अभियान के लिए? मैं प्लेज लेना चाहूँगी। ओके, तो वी प्लेज टू मेक इंडिया डेवलप्ड एंड सेल्फ रिलायंट बाई 2047, वी प्लेज टू सेलिब्रेट आवर हेरिटेज, वी प्लेज टू स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड रिस्पेक्ट दोज हु लव आवर कंट्री, वी प्लेज टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन, वी प्लेज टू रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। देखिए, बच्ची ने की स्पीच भी थी, बड़ी खूबसूरत थी। बेटा, क्या कुछ कहना चाहोगे आज जो मेरी माटी मेरा देश अभियान स्कूल में मनाया जा रहा है और कहाँ कहाँ पर इस तरह का अभियान या इस तरह की पहल आपको देखने को मिली है स्कूलों में? बहुत से स्कूलों में मैंने देखा है, मैं पिछले स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे अभियान निकाले हुए थे और
मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों को मतलब ये सारा जितना भी हम लोगों के लिए करते हैं। और ठीक है बेटा, क्या कहना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम किया गया है स्कूल में? इसके लिए हम अपने स्कूल के टीचर्स को और अपने प्रिंसिपल को, डायरेक्टर सर को और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको थैंक यू कहना चाहते हैं कि उन लोगों हम लोगों को ये ऐसा दिन दिया है। हर दिन हम लोग यहाँ पर एक तरह सेलिब्रेट करते हैं अपने मार्टिर्स के लिए जो कि यहाँ पे शहीद हुए थे यहाँ पे। ठीक, कुछ कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? क्या नाम है? मेरा नाम अखंड तेज पांडे है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। सबसे पहली बात, ये जो हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो हम लोग अभी रैली निकाले थे प्रभास रैली, उसने अपने फ्रीडम फाइटर्स को हम लोग श्रद्धांजलि दिए थे। उन्होंने इतनी अपनी जान को सेक्रीफाइस करके हम लोग को फ्रीडम दिलाई थी, इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो देखिए, ये थे वो छात्र, ये वो बच्चे जिन्होंने प्रभात फेरी निकाली और मेरी माटी मेरा देश अभियान को सेंट्रल पब्लिक स्कूल में कहीं ना कहीं सार्थक करने की कोशिश की। स्कूल प्रशासन के लोग हमारे साथ होंगे, उसके साथ साथ वो तस्वीरें भी होंगी। मेरी माटी मेरे मेरा देश अभियान को सेंट्रल पब्लिक स्कूल कुछ अलग अंदाज में मना रहा है। हमने सभी लोगों से बात की, अभिभावक से, छात्रों से, प्रधानाचार्य से और बच्चों की माताओं से, जिन्होंने आज इस मेरी माटी मेरे देश अभियान के तहत स्कूल में हो रहे कंपटीशन में भाग लिया। हमारे साथ इन सब विषयों पर बात करने के लिए चेयरमैन जयंत पांडे सर हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी माटी मेरा देश अभियान केंद्र सरकार की एक अनोखी पहल है जिसके तहत हर लोग इस जश्न को मना रहे हैं। मैं डॉक्टर जगत नारायण पांडे, चेयरमैन सेंट्रल पब्लिक स्कूल, और अमृत महोत्सव के अधीन ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश प्रारंभ किया गया है। और इस विद्यालय की प्राचार्या, टीचर्स और स्टूडेंट्स सब ने मिल करके मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का, पानी का और तमाम प्रकार के विविध आयाम, जिसमें कि दस्तकारी और इन सब चीज़ों को लिया है, रंगारंग कार्यक्रम रूप में मनाया गया है, जिससे कि हमारे देश की माटी की सुगंध इस अमृत महोत्सव के अधीन 12 महीने चलती रहे और हम अपने देश से भावात्मक दृष्टिकोण से, इमोशनल, सेंटिमेंटल, पैट्रियटिज्म से जुड़े रहें। थैंक यू। ठीक है सर, तो ये थे हमारे साथ चेयरमैन जयंत पांडे, जिन्होंने बताया कि किस तरह का जुड़ाव रखने के लिए और इस अभियान जिसकी एक मनोहर पहल की गई है पूरे केंद्र में और पूरे प्रदेश, पूरे देश में, आज इस मेरी माटी मेरे देश अभियान को जगह जगह पर हम देख पा रहे हैं। और सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने भी पिछले 3 दिनों से इस अभियान को सार्थक करने में अलग अलग तरह की कंपटीशन करा रहा है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।